सम मास 2 kg सिचुएटेड एट द वर्टेक्स अलग अलग पॉइंट पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट मासेस है और हम उसको अलग अलग प्लेस पर रखे हुए हैं, ठीक है। द ग्रेविटेशनल रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट ओरिजिन। अब देखो पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहता है इनफाइनाइट मासेस, चलो ओरिजिन बना लो ये, इनफाइनाइट मासेस टू सिचुएटेड 2m एट 1 meter, यहाँ पर 2 kg का है 1 meter, फिर 2 kg का रखा और ये रहा 2 meter, फिर 2 kg का रखा और ये रहा 4 meter, तो इस तरह से इनफाइनाइट रखा हुआ है, दैट इज 2 kg 2 kg, क्लियर है प्यारे बच्चों ये। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल यहाँ पर निकालना है ओरिजिन पे, पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या फार्मूला याद है ना, पोटेंशियल बी इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर, दिस इज द पोटेंशियल डी टू पॉइंट मास, पॉइंट मास का पोटेंशियल यही होता है। अगर पॉइंट मास का पोटेंशियल यही होता है तो अब इस लॉजिक से पोटेंशियल एक स्केलर है, इसका मतलब सबका मैं जोड़ दूँ, नेट पोटेंशियल बनेगा इसका बनेगा माइनस जी एम ओवर वन, इसका बनेगा माइनस जी एम, इसका प्लस माइनस जी एम ओवर टू, इसका बनेगा प्लस माइनस जी एम ओवर फोर, ठीक है। तो इस टाइप से फोर, ठीक है, एट, 16, इस टाइप से चला जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस जी एम में कॉमन ले लिया तो 1 + 1/2 +1/4 +1/8 +1/16 इस तरह से अप टू इन्फिनिटी। अब इसका सम कैसे निकालोगे, तो g के टर्म में ही निकालना, मास कितना था 2 kg था, मास 2 kg था तो यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2g। अब इसका सम निकालने के लिए हमें कुछ न कुछ मैथमेटिक्स ज़रूर आना चाहिए यार, ठीक है, कुछ न कुछ मैथमेटिक्स ज़रूर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म होता है वो जी पी बोलते हैं, इनफाइनाइट जी पी, इनफाइनाइट जी पी, और इनफाइनाइट जी पी में अगर पहले वाले से दूसरे वाले से डिवाइड करते हो तो कॉमन रेशियो 1/2 मिल रहा है जो कि 1 से कम है, तो इनफाइनाइट जी पी का सम a = 1 - r होता है और r इज लेस देन 1, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है मैग्नीट्यूड में। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट जी पी का जो सम है वो फिनिट होता है, इसका सम फिनिट होगा क्योंकि घटता जा रहा है ना यार, देख रहे हो घटता जा रहा है 1/2 1/2 1/2 कहीं जाके बहुत कम हो गया होगा, तो ठीक है, अगर बढ़ता चला जाता तो इनफाइनाइट आता यार, घटता जा रहा है तो कम होते होते कुछ फिनिट वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये ए क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, आर क्या है, कॉमन रेशियो, कैसे निकालता कॉमन रेशियो, पहले वाले में से दूसरे वाले में डिवाइड करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट नंबर मिलेगा जो कि यहाँ पे आर इक्वल टू 1/2 है और ए की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 1 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि यह -4g पोटेंशियल इसका सही है, ठीक है, -4g, चलो ये आ जाएगा -4gb, हाँ ये भी तो वही है।